बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज हम देखेंगे बेसिक एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसे हम पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं, और ये डिवाइड होता है दो सेक्शंस में। जो वोकल कॉर्ड के ऊपर होता है, द अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। वोकल कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा एंड वोकल कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें दो लेवल पे डिवाइड होता है। जो वोकल कॉर्ड के ऊपर होता है उसे हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं, और जो वोकल कॉर्ड के नीचे होता है उसे हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। नेसल कैविटी, पैरा नेसल, साइनसिस, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स जो है वो वोकल कॉर्ड के ऊपर होते हैं। नेसल कैविटी, पैरा नेसल, साइनसिस, फेरिंग्स और लेरिंग्स जो है वो वोकल कॉर्ड के ऊपर होते हैं। और लोअर रिस्पायरेटरी एयरवे में हम देख लेते हैं लेरिंग्स जो वोकल कॉर्ड के नीचे होता है, हाफ जो होता है वो वोकल कॉर्ड के ऊपर होता है और हाफ जो है वोकल कॉर्ड के नीचे होता है। ट्रैकी आ जाता है, इसमें ब्रोंकाई आ जाता है, ब्रोंक्यूल्स आ जाता है और लंग्स आ जाते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो फंक्शन में आता है, कंडक्शन कंडक्ट करता है, फिल्ट्रेशन करता है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, नमी जो हमारी नोज में जो थोड़ी सी नमी या माउथ में जो स्लाइवर टाइप कुछ होता है उसे जो है ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वार्मिंग ऑफ इनहेल्ड एयर, और जो हम एयर इनहेल करते हैं उसकी वार्मिंग के लिए। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या आ जाता है? कंडक्शन और गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज के लिए किया जाता है। अब इस पिक को देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अगर आप थोड़ा सा मतलब अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस पिक को पॉज करके और उसके बाद आप खुद से अंदाज़ा लगाएं कि इसमें क्या क्या आ सकता है, ये क्या क्या है, आप तो मैं आगे बता देती हूँ। इसमें जो है ये नसल कैविटी है, ये नॉस्ट्रिल्स है, ये ओरल कैविटी है, ये फेरिंग्स है, ये लेरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये राइट मेन ब्रोंकस है, ये राइट लंग्स है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, ये लेफ्ट लंग्स है, ये डायफ्राम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।